हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग आ गए हैं उत्कल कनिका गैलेरिया, जो कि भुवनेश्वर का बहुत बड़ा मॉल है और ये कल्पना चौराहा के पास में अवेलेबल है। मैं पूरा एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा, मतलब मॉल के बाहर गार्डनिंग वगैरह किया हुआ है और काफ़ी स्पेसियस भी है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी समय यहाँ पर बैठ के स्पेंड भी कर सकते हो और यहाँ पर नाइट में बहुत ही अच्छी लाइटनिंग रहती है। अब हम लोग मॉल के अंदर आ चुके हैं। मॉल के अंदर बहुत ही अच्छा, मतलब डेकोरेशन वगैरह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप शॉपर्स स्टॉप का शोरूम देख रहे होंगे और यहाँ पे एक काजो का भी शोरूम है और ये है एंट्री गेट। और यहाँ पे बगल में राइट साइड मूव करने पे एक मार्क्स एंड स्पेंसर का शोरूम है और ये उड़िया में लिखा हुआ है। वो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि ये भुवनेश्वर में है तो सब कुछ उड़िया में भी लिखा रहता है। यहाँ पर डेकोरेशन बहुत ही अच्छा किया हुआ है। ये डेकोरेशन मतलब अमेजिंग, इस प्लैनेट से भी अच्छा है। और यहाँ पे एक मैंगो का शोरूम है और यहाँ पे आगे बढ़ते ही बॉस का शोरूम है और यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में ऑल दैट जैज़ लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्लोथिंग ब्रांड्स ही है, सब कुछ यहाँ पे कॉमन है अवेलेबल। मतलब सारे ग्राउंड फ्लोर पे सब कुछ मेंस वियर, ट्रेडिशनल वियर, कुर्तीज़ और जैकेट्स वगैरह सब कुछ, सैंडल्स भी हैं और ड्रेसेस टी शर्ट्स भी अवेलेबल है। सब कुछ यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे कॉमन ही अवेलेबल है। अलग अलग नहीं बनाया हुआ है सबका, कुछ सबका मतलब एक बाउंड्री लाइन बस दिया हुआ है कि ये कैल्विन क्लीन का है और गेट अलग नहीं है, सबका कॉमन ही गेट है। सो बहुत ही अच्छा यहाँ पर डेकोरेशन मुझे लगा इस मॉल का। और यहाँ पे कुछ अटेंडेंस भी है और यहाँ पे विंटर वियर आने वाला है तो यहाँ पे विंटर वियर्स जैकेट्स वगैरह भी अवेलेबल है। नॉटिका का भी यहाँ पे शोरूम है, सो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आगे बढ़ते ही बहुत सारे जैकेट सूट्स भी कैल्विन क्लीन यहाँ पे है। और यहाँ पे मिडिल में एक ये बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था, मे बी न्यू ईयर आने वाला है 25 दिसंबर, इसलिए होगा। और यहाँ पे टॉमी हिल्फिगर का शोरूम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ते ही भूमि पेडनेकर का कुछ लोगो ब्रांड इस मैक के प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट कर रही होगी, इसलिए इनका बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है। और यहाँ पे आगे बढ़ते ही ये फॉरेस्ट एसेंशियल्स आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स कुछ अवेलेबल है इस यहाँ पे। मैं इसमें कभी गया नहीं हूँ सो मुझे कुछ आइडिया नहीं है इसका। और यहाँ पे आगे बढ़ते ही एक पार्कोस का शोरूम है, जो कि इसमें भी उतना मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सो शायद ये भी कुछ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती होगी लेडीज़ के लिए। और यहाँ पे आगे बढ़ते ही एक स्केलेटर्स आते हैं और यहाँ पे हम लोग इस पे स्केलेटर्स, यहाँ पे ग्रोसरी का एक आइटम ग्रोसरी स्टोर भी है जो कि आप घर के सामान वामान यहाँ से ख़रीद सकते हो। और यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का एक शोरूम अवेलेबल है। और यहाँ पे लेडीज़ के लिए लिपस्टिक और लेडीज़ के लिए ही मेनली वो फेमस है शुगर कॉस्मेटिक्स। और यहाँ पे आगे बढ़ते ही फिर से क्लोथिंग ब्रांड्स ही आ गए हैं। और यहाँ से अब हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे हमने सब कुछ कवर कर लिया है तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जो कि बहुत ही अच्छा। सामने ही एक स्केचर्स का शोरूम सीढ़ी चढ़ते ही अवेलेबल है। हम लोग राइट साइड में पहले कवर करते हैं राइट साइड में क्या क्या अवेलेबल है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो शोरूम है वो एलन सोली का है, ये एक क्लोथिंग ब्रांड है। और दोस्त जो सेकंड शोरूम है वो इंडियन टेरन है, ये भी क्लोथिंग ब्रांड ही है, जीन्स वगैरह बनाती है। और यहाँ पे लेंस कार्ट अवेलेबल है जो कि चश्मों के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पे शॉपर्स पॉइंट है जो भी, वो भी क्लोथिंग ब्रांड ही है। और यहाँ पे वान ह्यूजन जो कि इनर वियर्स के लिए फेमस है इंडिया में। और यहाँ पे सक्सेस जो शर्ट्स ये भी मैन्युफैक्चर करती है। आई थिंक फर्स्ट फ्लोर पे भी मोस्टली क्लोथिंग ब्रांड्स ही अवेलेबल है। और आगे बढ़ते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये भुवनेश्वर का शोरूम है तो सब कुछ उड़िया में भी लिखा हुआ है। ब्रांड के बगल में स्पाइकर का भी शोरूम है यहाँ पे, ये भी क्लोथिंग ब्रांड ही है। और यहाँ पे मुफ्ती है जो कि मेरा फेवरेट है, मुझे मुफ्ती के ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुफ्ती और रंगरीती के मुझे अच्छे लगते हैं। ये मोची है जो कि सैंडल्स वगैरह मैनुफैक्चर करती है। और यहाँ पर आगे बढ़ते ही ये उड़िया में कुछ लिखा हुआ है,
जो मुझे समझ में नहीं आता क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो ट्रेंड्स मैन का वो उड़िया में लिखा हुआ था। ये भी क्लोथिंग ब्रांड ही है, ये मान्यवर भी है यहाँ पे, जो कि शादियों के लिए कपड़े बनाती है, और जॉकी का शोरूम है, और यहाँ पे यामाहा का शोरूम है, और यहाँ पे आगे बढ़ते ही एक लैट LIV कुछ ऐसा लिखा हुआ था। ये सैमसोनाइट है जो कि ट्रैवलिंग ट्रॉलीज़ बैग्स बनाती है। और यहाँ पे आज संडे था तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। US पोलो एसोसिएशन का भी शोरूम है, एरो भी एक, ये भी क्लोथिंग ब्रांड ही है। सब कुछ फर्स्ट फ्लोर पे भी सब क्लोथिंग ब्रांड ही है। और मोस्टली सो अब हम लोग एलिवेटर कॉमन बीच में ही है इस मॉल में, अलग अलग नई जगह नहीं है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उतना ढूंढना नहीं पड़ता है कि क्योंकि इस प्लेनेट में देखा है मुझे कि वो एलिवेटर से ढूंढना पड़ता था। तो अब हम लोग जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे कुछ और लोग भी अवेलेबल है एस्केलेटर पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये सेकंड फ्लोर पे ऑरेलिया है जो कि वुमेन्स वियर बनाती है ड्रेसेस, और यहाँ पे आगे बढ़ते ही एक यहाँ भी शॉपर से स्टॉप अवेलेबल है, यहाँ पे वॉचमैन के लेके अवेलेबल है, और यहाँ पे कुछ रंगरीति जो कि बहुत अच्छा डेकोरेशन था, ये मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छी ड्रेसेस बनाती है। जिनी एंड जॉनी का शोरूम भी है, और यहाँ पे बीपा का भी, ये भी बहुत अच्छा डेकोरेटेड है, और यहाँ पे बीबा फॉर गर्ल्स, गर्ल्स के लिए ये कुर्ती वगैरह डिज़ाइन करती है। वेस्ट साइड ये भी गर्ल्स के लिए ही मेनली वुमेन्स वियर डिज़ाइन करती है। गो कलर्स जो कि बॉयज़ के लिए टी शर्ट्स मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी। और यहाँ पे फिर से स्केलेटर आ गया है, और अब मैं फिर से ऊपर थर्ड फ्लोर पे जाने वाला हूँ, और थर्ड फ्लोर पे मेनली फूड कोर्ट ही अवेलेबल है, और फूड कोर्ट में तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं बहुत कुछ आज मतलब बहुत कुछ खाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं KFC भी जाने वाला हूँ, पिज़्ज़ा हट भी जाने वाला हूँ, बर्गर किंग भी जाने वाला हूँ, और भी मुझे जो भी मन करेगा मैं सब कुछ आज खाने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे। सो यहाँ पे सामने एक टाइम जोन अवेलेबल है, यहाँ पे उड़िया में, यहाँ पे ये डेकोरेशन जो मिडिल का जो किया हुआ है ना, ये मतलब लाइटिंग बहुत बढ़िया मतलब देखने में लग रहा था, ये सबसे अच्छा अट्रैक्शन पॉइंट मुझे लगा इस मॉल का। और यहाँ पे KFC है अवेलेबल, इसमें भी अपन जाएंगे बाद में, पहले सब कवर कर लेते हैं। KFC के बाद में कुछ बिरयानी बॉक्स है जो कि आज बंद था, आज ये ओपन नहीं था, और इसके बगल में एक टी जंक्शन है, और यहाँ पे बगल में ही बैठने का भी अरेंजमेंट है, और ये एक पिज़्ज़ा हट है, पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी डिलीशियस। वाव मोमो भी है यहाँ पे, यहाँ भी हम जाएंगे वाव मोमो में। और यहाँ पे एशिया 7 आइसक्रीम्स आई थिंक बनाती है, मैं कभी गया नहीं हूँ। और यहाँ पे स्ट्रीट फूड्स बाय पंजाबी ग्रिल, शवरमा हट, और यहाँ पे बर्गर किंग जो बर्गर के लिए फेमस है, यहाँ पे ऋतिक रोशन का बोर्ड लगा हुआ है बर्गर किंग। और यहाँ पे की वेंटर्स जो कि आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, और यहाँ पे बोका जो है ये भी बेकरी रिलेटेड केक्स और पेस्ट्रीज मैन्युफैक्चर करती है, बहुत अच्छी डिलीशियस ब्लैक फॉरेस्ट केक्स वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन हो रहा था, किसी एक बच्चे का बर्थडे था तो वो बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था। और यहाँ पे बगल में बास्किन एंड रॉबिन्स जो कि आइसक्रीम के लिए फेमस है, और यहाँ पे हैमलीज़ का एक शोरूम अवेलेबल है जो कि किड्स के लिए है, आई थिंक यहाँ खिलौने वगैरह मिलते हैं, मैं गया तो नहीं हूँ पर आई गेस ये खिलौने वगैरह, हाँ वो खिलौने के लिए ही टेडी बियर्स वगैरह अवेलेबल थे, मैंने बाहर से देखा था कुछ। और यहाँ पे बहुत लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवा रहे थे, बहुत अच्छा था। यहाँ पे टाइम जोन है ये कम्प्लीटली, मतलब यहाँ कोई चार्जेस नहीं लगते, बहुत सारे वॉलीबॉल वगैरह का और गेम्स वगैरह आप फ्री में खेल सकते हो। ये मेनली इसमें
चिल्ड्रेंस के लिए ये बनाया जाता है बहुत सारे मॉल्स में। मैं पिछले बार सिटी सेंटर मॉल पटना गया था तो वहाँ भी ये मैंने टाइम जोन देखा था, वहाँ भी बहुत सारे लोग, सबसे ज़्यादा भीड़ पटना में तो टाइम जोन में ही था क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए ये नया चीज़ है जबकि बाहर के लोगों के लिए ये नया चीज़ नहीं है। तो वहाँ बहुत भीड़ था टाइम जोन में। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये गेम्स खेल रहे हैं। और मैंने अब ऑर्डर कर दिया है बर्गर किंग से, बहुत ही डिलीशियस बर्गर और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा डिलीशियस था, ऑसम। मतलब अब अगर रेटिंग दिया जाए तो रेटिंग 10 out of 10। इसके बीच में चीज़ था और एक लेयर था क्रिस्पी सा आलू टिक्की का और बहुत ही अच्छा था। ये टी जंक्शन है, मैंने टी जंक्शन पे एक रबड़ी शेक ऑर्डर किया था जो कि बहुत अच्छा था। इसका कॉस्ट अराउंड 120 rupees था, ये स्मॉल ग्लास और लार्ज ग्लास का 150 के अराउंड था। तो मैंने स्मॉल वाला ऑर्डर किया था, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका, रबड़ी शेक था इसका नाम। और इसके बाद मैं गया था KFC जो कि चिकन्स के लिए फेमस है, तो मैंने KFC में फ्रेंच फ्राइज सिर्फ ऑर्डर किया था क्योंकि चिकन वगैरह अभी मैं खा नहीं रहा हूँ तो इसलिए मैंने सिर्फ फ्रेंच फ्राइज एकदम नॉर्मल चीज़ ऑर्डर किया था। और इसके बाद मैं गया था सैंडविच सवरमा हट से, मैंने सैंडविच ऑर्डर किया था एक्स्ट्रा वेगेंजर सैंडविच जो कि बीच में इसका स्टफिंग में बहुत सारे वेजिटेबल्स अवेलेबल थे। और ये मैं अब आ गया हूँ मोमोस वाव मोमो में, और वाव मोमो में मैंने ऑर्डर किया था चॉकलेट मोमो जो कि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, मैंने मुझे पता भी नहीं था कि चॉकलेट मोमो मिलता है वाव मोमो में। वो सब चिकन मोमो और हे गाइस, अब मैं मॉल से बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ अपनी घर की तरफ। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।